अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाटन पिजियन और गुजरात पिजियन मास्टर जो मेरी चैनल है उस पर आज पाटन में मेरे पास मेरे घर की छत पे शौक करने के लिए आए हैं हमारे शाहरुख भाई जो बहरीन से आए हैं और इनका तारुफ करवाऊंगा। हालांकि इनके खुद के पास भी बेहतरीन नस्लें जो टेढ़ी है, कमगर है, कसूरी है, बहुत सी नायाब नस्लें जो पाकिस्तानी ब्रीड है वो हमारे शाहरुख भाई के पास भी है, मौजूद आए हाल में भी अभी भी। और शाहरुख भाई 3 महीने की छुट्टी पे आए हैं इंडिया, क्योंकि ये खुद 3 महीने की छुट्टी पे आए हैं और नईम भाई से इनकी दोस्ती हुई है हमारी, तो इंडिया आए तो ये स्पेशल नईम भाई के पास यानी मेरे से मिलने के लिए शाहरुख भाई आए। बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई जो तुम मेरे पास आए हो और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमारे भाई भी इनके साथ आए हैं, ये इनके चाचा के लड़के, क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम भाई भी आए हैं ये बहरीन में इनके पास। शाहरुख भाई आप बताएं आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं बहरीन में? अभी बहरीन में हमारे पास लगभग सब पाकिस्तान की नस्लें वहाँ की, जैसे मेन होता है टेढ़ी, तो वहाँ के जो मेन फेमस जो टेढ़ी है वो सखी वाले टेढ़ी है। सखी वाले टेढ़ी भाई जो पाकिस्तान की एक नंबर ब्रीड है, सखी वाले टेढ़ी जो शाहरुख भाई के पास मौजूद है अभी भी। पिक्चर वगैरह सब सेंड किया था आपने? सब हाँ देखे मैंने सब। उधर दूसरे जो आते हैं सलारा टेडी आते हैं, फिर कांटो वाले टेडी आते हैं, कांटो जो अपने यहाँ पे बोलते हैं कांटियल, अपने यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं कांटियल कबूतर, जो कांटो वाले टेडी आते हैं बराबर। और जो मेन जो टेडी का जो किंग बोलते हैं वो है सखी वाले, उसके घर से ये पूरे नस्ली निकली हुई है। दुबई में, सऊदीया में टोटल यानी टेढ़ी कबूतर ही चलते हैं। दुबई सऊदी में सखी वाले टेढ़ी में से सब बनाए हुए कबूतर हैं, जो मेन ब्रीड है सखी वाले। और ये जो सखी वाले बोलते हैं ना, जो टेढ़ी जो बोलते हैं प्योर है, ये असल में प्योर नहीं होते, ये भी सात नस्लों को मिला के ये टेढ़ी कबूतर बना हुआ है, जैसे कसूरी, डब वाला, कल्सर, ये सब मिला के वो उस्ताद ने ये नस्ल बनाई हुई है। और शाहरुख भाई मेरे को जब तक पता चलता है तब तक ये जो टेढ़ी है तो टेढ़ी के अंदर मेन ब्रीड है रामपुरी भी है उसमें, है ना? रामपुरी बिल्कुल। तो भाई अपने जो इंडिया की जो ब्रीड है नामचीन रामपुरी ब्रीड, उसका मेल है जो टेढ़ी में है, लेकिन टेढ़ी कबूतर बनाया हुआ है, कोई प्योर नस्ल नहीं है, टेढ़ी बनाई हुई है। और माशाल्लाह उसकी खूबसूरती भी बहुत अच्छी है और हमारे शाहरुख भाई के पास बहुत बेहतरीन कबूतर हैं। हालांकि जब शाहरुख भाई बहरीन जाएंगे तो इनके सेटअप का जो वीडियो वगैरह जो मेरे को भेजेंगे तो मैं आपको शेयर करेंगे, आपके लिए वहाँ से अंडे भी भेजेंगे इंशाल्लाह। मैं मेरे घर की जो ब्रीड है रामपुरी इसके इंशाल्लाह आपको, आज तक कभी भी किसी को उस कबूतर का कुंदा भी किसी को नहीं दिया है। अच्छा, किसी को नहीं दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे को बोला कि जब तुम शौकीन हो, अगर है मेरे कबूतर वो नस्लें हैं जो मेरे पापा मेरे दादा की जो ब्रीड अभी भी मैंने संभाल के रखी हुई है। ये कितनी पुरानी ब्रीड होगी आपकी जो आपने संभाल के? ये तकरीबन अभी मैं खुद 30 साल से तो शौक कर रहा हूँ बराबर, 50 साल से ये ब्रीड चलती है। ये मैंने खरीदी थी, ये अपने घर के नहीं है, मेरे घर के मैं बताता हूँ, ये मकुआ आंख में कैसे है देखे आप। और ये मेरी फ्लाइंग रानी का तो आपने देखा है, जो शाहजानपुरी ये हमारे वहाँ पे है, शाहजानपुरी बस के सब क्रॉस होके आए हुए हैं। हाँ वो क्रॉस है, प्योरिटी में तो वहाँ पे नहीं है हमारे पास। यहाँ पे रामपुरी ग्रीन आईज वाले भी रहते हैं? हाँ है मेरे दोस्तों के पास है, ग्रीन आईज है रामपुरी है मेरे दोस्तों के पास। अभी ब्लू आईज में रामपुरी का भी मैं शौक करवाऊंगा, ब्लू आईज में रामपुरी का शौक करवाऊंगा, जो मेरे खुद के बंदे हैं, मेरे दोस्त सचिन भाई ठाकुर के पास पड़े हुए हैं, जो हम अभी उसका ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं। अभी तकरीबन 6 से 8 कबूतर हुए हैं और ब्लू आईज में उसका हम नस्लें बढ़ाने के लिए वो कबूतर की तादाद बढ़ा रहे हैं।
अभी हमारे वहाँ पे ज्यादा चलते ये जो कमागर है और टेडी है, ये कमागर और टेडी क्रॉस में हमारे उधर ज्यादा चलते हैं। अभी कबूतर कैसे मतलब अगर मैं इंडिया से वहाँ पे लेके जाऊँगा ना, अभी यहाँ पे 12-12 घंटे उड़ते हैं, परवाज ज्यादा है, बस बहरेन के मौसम के हिसाब से वहाँ पर परवाज नहीं होएगा, नहीं होता है। जो भी इंडियन कबूतर यहाँ से जो गए ना, जैसे कलदुम्बे हैं, फिर क्या बोलते हैं शाहजहानपुर से, वो जो नीले नीले बोलते हैं, सेम इसमें आते हैं हरे, हरे जो बोलते हैं, हरे बोलते हैं, हरे भी है, यानी वो सब कैसे प्योरिटी में नहीं उठते वहाँ पर, उनको लाजिम कोई क्रॉस देना पड़ता है, क्रॉस देना पड़ता है। हाँ ठीक है, लगे शरद भाई माशाल्लाह बहुत मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया कसम से इधर आके ऐसे कबूतर देखने के लिए। हम लोग तरसते हैं मानो वहाँ पर, कि वहाँ पे ऐसे ब्रीड नहीं, इंडिया के कुछ ब्रीड हैं जैसे नील दुम्बा हो गया और हरे हो गए, बस यही है, बाकी ये जो प्योर चीज नहीं मिलती वहाँ, ये प्योरिटी है। और इसके पट्टे भी बहुत अच्छे उड़े थे, हालांकि अभी हाल इसके 3 पट्टे मेरे पास कट गए, अभी एक भी नहीं है, और मादी ने आज ही अंडा दिया था तो वो थोड़ा जाया हो गया अंडा, दूसरा अंडा अभी हब देगी। और भाई ये बताऊं, ये मेरे बाप दादा की जो नस्लें हैं, ये है जो बताए देखे आप, और जब तक ये ब्रीड मेरे पास रहेगी तब तक कबूतर रहेंगे, और जान में जान रहेगी तब तक इसको मैं निकलने नहीं दूंगा। सबसे पुरानी ब्रीड में से ये अपने घर की जो बाप दादा की जो नस्लें हैं, ये वो ब्रीड है, वो ब्रीड है, तकरीबन 60 साल से, क्योंकि मैं 30 साल से तो मैं खुद सोख कर रहा हूँ शाहरुख भाई, 30 साल से मैं खुद सोख करता हूँ, और मेरे पापा जब छोटे थे तब से ये ब्रीड चलाती आ रही है, और दादा के पास भी थी, बड़े भाइयों ने भी, दोनों ने सोख करा, मेरे बड़े पापा ने भी सोख करा, मेरे पापा ने सोख करा, लास्ट में मेरे पास कबूतरबाजी आई है। और ये इसकी मादिन है, देखिए मकोआंख में मादिन, ये भी प्योरिटी में ना, प्योरिटी में, प्योरिटी में, जो आप बोलते हो ब्लू आईज में है, ये प्योरिटी में, और ये रामपुरी कलंच बोलते हैं, रामपुरी कलंच बोलते हैं, जी रामपुरी कलंच बोलते हैं, जो आज सुबह में जो तुमने मेरे को बताया कि हमारे एक दोस्त का तुमने खाली नाम भेजा, मैंने बोला भाई उसका नाम वो है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ मेरे दोस्त का, क्योंकि उनकी भी यूट्यूब चैनल चलती है बराबर, तो हमारे शाहरुख भाई ने उनका खाली मेरे को ऐसा बताया तो मैंने उनका नाम भी बता दिया इनको, और उन्होंने तकरीबन ये जोड़ अभी सेल आउट की है इस टाइप की, यानी रामपुरी कलंच ही थे वो, नो डाउट, मैंने भी उनसे बात किया था और मेरे को बोला था कि नहीं भाई वो सेल आउट हो गई है, ऐसा था। और यही जोड़ का शाहरुख भाई ये पट्टा है, ये जो मैंने सुबह में बताया तुम्हारे को कि जो लास्ट में अभी आके बैठा आज के दिन में ही, इसका ही पट्टा है। अभी इनकी क्या परवाज है, ये रामपुरी की शाहरुख भाई मैंने खुद ने तो बहुत लंबी परवाज ही दी की है, लेकिन इसको उड़ाने का मन नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास ये जूनी नस्लों में से अभी हाल तकरीबन 4-5 कबूतर रह गए हैं, 4-5 ही रह गए हैं, जो इसका पट्टा ये अभी उठा है, ये इसका है, और ये आज सुबह में ही उतर के अभी आया है, लास्ट में सबसे लास्ट में ये उतरा है। दसवीं गली भी अब साफ करेगा, साफ करेगा ना, इसको भी कैच पे रखा था, कैच पे रखा था ना इसको, क्योंकि निकल जाते हैं यार अच्छे कबूतर, निकल जाते हैं, जाया हो जाते हैं, तो नहीं मन नहीं होता है फिर उड़ाने का, क्योंकि इनकी परवाह जी अपनों ने देखी, अपने किसी को बतानी कहाँ है, अपनों ने देखी है बहुत है। तो ये ब्रीड इंशाल्लाह हम लोग बहरेन में लेके जाएंगे। तो कोई ऐसा उस्ताद का नाम था, वो बोलते हैं कि वो एक जगह है रामपुर में,
वहाँ गए थे, वहाँ से हमने दो बच्चे लिए थे। फिर वो बच्चे जब पार्टीशन हो गए, वो बच्चे लेके वो गए पाकिस्तान में। फिर वहाँ से उन लोगों ने जैसे ब्रीड यानी आगे कही, हाँ हाँ, तो वहाँ से यानी पाकिस्तान के जो रामपुरी भी वहाँ पे गए थे, इंडिया से पाकिस्तान में गए थे रामपुरी। तो सर भाई ये तो पहले तो ये पार्टीशन हुआ नहीं था, तो सब एक ही था। और मैं मेरी बताता हूँ कि मेरी एक नंबर जो झोड़ है, मेरे को जो शौक है वो रामपुरी कबूतर का ही है। क्योंकि रामपुरी कबूतर वो है जो उड़ने में इंडिया में फर्स्ट नंबर की, एक नंबर की जो नस्लें हैं वो रामपुर से ही हैं। और रामपुर कबूतर, कबूतर का गढ़ माना जाता है कि रामपुर में घर घर कबूतर हैं। और जूने जो उस्ताद थे, वो जूने उस्तादों ने वो नस्लें संभाल के रखी है। लेकिन अभी क्या है कि क्रॉस करना, अभी के जो उस्ताद है ना वो क्रॉस में ज्यादा मानते हैं, वो परवाजी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरी राय है कि जो नस्लें जो प्योरिटी में जो उड़ती है, जो मैंने उड़ाई है, लोग क्रॉस करके उड़ाते हैं, मैं प्योरिटी में ही उड़ाना चाहता हूँ। और प्योरिटी में उड़ते हैं कबूतर, उसको तुम किस तरीके से दाना पानी है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, कैसी है कबूतर की परवाजी, तुम देखो, तुम मास्टर हो, तुम उस रिश्ते तुम कबूतर उड़ाना अभी। और ये जो मेरे पास है ये रामपुरी चंदा खानी है, चंदा खानी है। अब चंदा खानी कोई ब्रीड नहीं है, ब्रीड जो है वो रामपुर है, जो इंडिया में एक शहर है रामपुर, जहाँ की ये ब्रीड है। और चंदा खानी ऐसे बोलते हैं कि एक चांद खान नाम के एक शख्स थे, अच्छा, जैसे कि शाहरुख भाई हैं जी, नईम भाई हैं। तो अभी तुम ये कबूतर लेके जाओगे तो बहरीन में तुम क्या बोलोगे कि भाई ये इंडियन ब्रीड रामपुर की सही है, लेकिन नईम भाई वाले हैं। नईम भाई वाले, एक नाम पड़ेगा उसपे, छाप पड़ेगा। जैसे बोलते हैं आप टेढ़ी सखी वाले, तो कोई सखी वाले कबूतर नहीं है जो बंदे ने, वो बंदे का नाम है, उसकी सरनेम है, जो भी है उससे ये ब्रीडों के नाम नस्लें चलती आ रही है, बराबर। अभी मैं मजेदार बात बोलता हूँ, अभी पाकिस्तान में एक ब्रीड है बंका बोलते हैं उसको, बंके होते हैं जो, सही है वो बंके, यानी कैसे होते हैं, इसका नाम बंके कैसा पड़ा, एक बंदा था उसने ब्रीड बनाया था, सही है। तो उसका कबूतर कैसा था, उसे घर पे नहीं बैठता था, एक बैंक था उधर, वो बैंक पे जाके बैठ जाता था, बैंक के ऊपर जाके बैठता था। लोगों ने वो उसका नाम दे दिया बंका, बैंक की जगह पे बंका कर दिया, बंका नाम दे दिया ऐसा। वो नस्ल इस तरीके से, यानी नस्लों के नाम पड़े हुए हैं। अभी आपको परवाजी में वो करना है ना, तो परवाजी से आप नाम वगैरह नहीं देखो, मेन उसका जो ब्लड लाइन आता है, हाँ, जो तुम वहाँ बहरीन में जो देखते हो, इस तरीके से तुम्हारी राय क्या है, हमारे व्यूअर्स को दिखाओ कि भाई बहरीन में किस तरीके से आप लोग, मेरे दोस्त जो मेरे व्यूअर्स है, वो देखें कि बहरीन की कबूतरबाजी हमारे शाहरुख भाई किस तरीके से करते हैं। दूसरों का नहीं बोलता हूँ मैं, मेरी और मेरे दोस्त जो शाहरुख भाई आए, इनकी कबूतरबाजी ये बहरीन में किस तरीके से करते हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके से कबूतर उड़ाते हैं, वो आपको बताएंगे। अभी पहले मैं आप लोग बताता हूँ जो कबूतर के जोड़े हम लोग कैसे लगाते हैं, सही है। अभी जो नर हो गया ना, अभी नर के जो आँख है उसमें पूरा सर्कल लेना चाहिए, हाँ, पूरा सर्कल होना चाहिए, ये पहले बात। और दूसरा उसका कुंदा देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कबूतर की ब्लड लाइन देखते हैं, सही है। उसके बाद कबूतर को होता है कुंदा, उसका मजबूत होना चाहिए, देखो कैसा मजबूत है माशाल्लाह। और मेन वो रहना चाहिए, देखो वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन दिखाएं भाई, हाँ ये वाइब्रेशन दिखाएं, इससे कबूतर की क्या, ये मेन निशानी है परवाजी की। और दूसरा क्या होता है, अभी देखो स्प्रिंग टाइप है, देखो अगर उसका कुंदा मजबूत होएगा तो ही कबूतर ऊपर यानी उड़ सकेगा सही, जान लगा के। और दूसरी चीज़ इसमें, इसके पर कटे हुए हैं, पर इसका जो मेन जो होता है ना निशानी होती है, जो लास्ट के तीन पर होते हैं ना, तीन पर, एक को है तो मेरे को दिखाऊंगा अभी, ये जो लास्ट के तीन पर है ना, सही है। अभी जो सेंटर वाला, अगर ये ऊंचाई पे आना, ये ऊंचाई पे आना चाहिए, ऊंचाई पे आना चाहिए, हाँ। फर्स्ट जो ये तीन उंगलियां, ये देखें, ये तीन उंगलियां हैं, पहला ये, दूसरा ऊंचाई वाला, और तीसरा नीचाई वाला, ठीक है। इस तरीके की ये कबूतरबाजी, वहाँ पे ये पर देखते हैं। और दूसरा सबसे मेन क्वालिटी क्या रहती है, अगर ये लास्ट के तीनों पर सेम हो गए ना, हाँ, वो सोने पे सो आ जाए,
तीन पर सरके रखेंगे तीनों पर, तीनों छेले तीन पर। हाँ, अगर तीनों सेम सरके हुए तो नायाब, या तो सेंटर वाला बड़ा रहना चाहिए उसका। बिल्कुल। और दूसरा रहते हैं इनके जोड़, हड्डी और जोड़, हड्डी जोड़ मेन उसका जो रहता है। और ये जो हड्डी रहे ना, ये जैसे चुभनी चाहिए हमको, शार्प रहनी चाहिए। हाँ। ये देखो चुभ रही है, नाव की तरह, जो गश्ती नाव रहती है। हाँ। ना उसके टाइप में रहनी चाहिए। बोलना नहीं, लेकिन हमारे सरक भाई बता रहे हैं, आप देखें कि नाव की तरह इनकी हड्डी जोड़ जो होती है, नाव की तरह इनकी हड्डी होनी चाहिए, सपाट नहीं होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए, और चुभनी चाहिए। देखो ये चुभ रही है कैसी। और मेन इनका जो आता है यहाँ पे हड्डी और जोड़, जोड़ बिल्कुल इसका बंद रहना चाहिए, रहना चाहिए। और ये जो हड्डी और जोड़ के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। जैसा हम बोलते हैं ना, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, सही है ना, अभी अगर रीढ़ की हड्डी हमारी यानी कमज़ोर है या कुछ ऐसा डैमेज है तो हम चल नहीं पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इनका जो मेन, इसको बोलते हैं जो परवास का मशीन, ये होता है ये परवास का मशीन है। ये जो जोड़ है ना बिल्कुल देखो बंद है इसके, और हड्डी जोड़ के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। अगर हड्डी जोड़ के बीच में गैप रहा, सही है, या इसके जोड़ खुलेंगे इसका परवास कम रहेगा, हमारा उधर ऐसा है। अभी अगर ये नर है ना, नर के हड्डी और जोड़ के बीच में गैप है, यानी एक उंगली का गैप रहना चाहिए। अगर दो उंगली का गैप हुआ समझो बेकार है, जीरो है कबूतर। अभी अगर इसका बिल्कुल जीरो गैप है, हड्डी जोड़ के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, वो समझो 100% है। अगर नर, अगर चलो ये नर है, सही है, नर की हड्डी और जोड़ के बीच में थोड़ा गैप है और उसका जोड़ थोड़े ओपन है, तो हम क्या करेंगे, जो फीमेल जो मादी है ना उसके साथ जो लगाएंगे, वो मादी के जोड़ बिल्कुल बंद रहने चाहिए और हड्डी जोड़ के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। वैसा करेंगे तो जो बच्चे उनके बैलेंस निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट उनके जोड़ में बिल्कुल वो नहीं होगा। भाई आप देखें सीखें हमारे शाहरुख भाई से बहरीन की कबूतरबाजी, और हमारे शाहरुख भाई भी बहुत अच्छे कबूतरों के जानकार हैं, वहाँ की नस्लों के पाकिस्तानी ब्रीड बहुत कुछ है इनके पास, और ये जाएंगे तो वहाँ की वीडियो भी मैं मंगवाऊँगा इनकी, इनके सेटअप की, और वो मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूँगा हमारे शाहरुख भाई की। और अभी अभी और बहुत चीज़ें बताने का आपको। हाँ, अभी देखो पहले हम लोग जोड़ लगाते कबूतर का, सही है, जो मेल होता है उसका साइज बड़ा ही रहना चाहिए, और जो फीमेल रहती है ना, अगर बहुत छोटी साइज रहेगी ना तो बच्चे परफेक्ट निकलते हैं, बच्चे मीडियम साइज के निकलेंगे और उनका वेट भी कम रहेगा। अभी नर मादी दोनों बड़ा साइज का है तो बच्चे निकलेंगे हैवी, वो नहीं उड़ सकेंगे, वो नहीं उड़ सकेंगे। हाँ। मैंने आपको जो बताया कि कबूतर पकड़ोगे तो उसका पता चल जाएगा कि कबूतर कितना वेट है और कैसा उड़ेगा। अभी देखो ये माशाल्लाह दिखने में बहुत हैवी है पर इसमें वेट नहीं है, वेट नहीं है। कबूतर कुछ होते बड़े साइज के बन के वेट मेन वेट क्या है उसका। और दूसरा चीज क्या देखते हैं हम लोग, कुंदा, सही है, कुंदा इसका पर, और जो नर है उसके पर अगर चौड़े ना तो मादी के पर चौड़े नहीं रहने चाहिए, चौड़े नहीं रहने चाहिए, एकदम बारी रहने चाहिए। और मेन निशानी क्या होती है, जो उनके ये पर है ना ये अंदर की तरफ जाने चाहिए। देखो मेन निशानी, जो जैसी हड्डी होगी ना कबूतर का ऐसा पर होगा मेरे दोस्त, ये आप जरूरी बात सीखें। ये कबूतरबाजी ये है, जैसे ये नाव की धार के बराबर है, देखो ये पर ये सीधे नहीं है, ये क्रॉस यू राउंड शेप लेगा पर, और उसकी हड्डी जैसी होगी वो कबूतर का पर भी उस तरीके का राउंड शेप लेगा। अगर हड्डी राउंड शेप वाली नहीं होगी तो वो कबूतर का पर भी राउंड शेप वाला नहीं होगा, वो भी चेक कर लेना। जो भी परवासी कबूतर या पट्टे तुम्हारे उधर ना, उसका पहले ये पर देखो, अगर पर अंदर की तरफ जा रहे हैं और उनका हड्डी जोड़ सही है, वही मेन निशानी है। ये राजस्थान टॉप की ब्रीड है सर, राजस्थान टॉप। हाँ, और बाजरे बोलते हैं इसको, और भूरे बाजरे बोलते हैं, भूरे बाजरे। इसमें चटाईदार आते हैं, बहुत सब आते हैं, काले बाजरे आते हैं, ये वो है, बाकी ये भूरे बाजरे। और इसकी मादिन मैंने सेल आउट कर दी थी, क्योंकि मेरे को मेरी चॉइस नहीं थी, वो खूबसूरती भी थी उसमें, लेकिन मेरे को नील मेरे मगज में नहीं बैठती थी वो,
के मैं वो रखूँ। तो मैंने अभी मादी चेंज कर दी है। इसके बाद कौन सी मादी दिया? अभी मैंने मांडो पे आई है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी बाजरी है। बाजरी बाजरी। और भाई शाहरुख भाई, जो आज तुमने नईम भाई के कबूतर देखे हैं, तो कैसा लगा? क्या कबूतरबाजी है नईम भाई की? यानी तुम्हारा भाई जो हूँ मैं भी। हाँ भाई, तो क्या बोलना चाहोगे कि कैसे कबूतर हैं मेरे? कैसा लगा इंडिया में नईम भाई के कबूतर जो देखे हैं? पाटन गुजरात, जो गुजरात पिजियन मास्टर यूट्यूब पर मेरी चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और शाहरुख भाई बताएं कैसा लगा, क्या कैसा रहा तुम्हारा मेरे घर का सफ़र, किस तरीके से रहा? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई पहली बात तो नईम भाई से मिलके, और माशाल्लाह उनके कबूतर देखे बेहतरीन, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। तो हमारे तो वैसे कबूतर देखने के लिए हम लोग मरते हैं, हम लोग खाली यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च कर करके सही देख के हम लोग वो हो जाते हैं। आज माशाल्लाह सब ही उनके छत पे आए, इन्हें इज्जत नवाजी हमें। नहीं नहीं यार शाहरुख भाई, ये तो अब होता है, कोई भी बंदा आएगा शौक करने आएगा तो बहुत से लोग आते हैं। अभी बीच में टॉक से भी आए थे दो बंदे, उन्होंने भी शौक किया था मेरे घर का। और वो यार इंसान शौक करने आता है, अपने किसी का दिल नहीं तोड़ते। और तुम्हारे से दोस्ती हुई है तो फिर तो वो तो तुम्हारे आना ही आना था। तो बोलते ना ड्रीम कम थ्रू, यानी हमारा क्या सपना पूरा हो गया, इंडियन जो ब्रीड वगैरह सब एक साथ अब देख, यानी हाँ सब नस्लें तुम्हारे को देखने मिली है मेरे घर में। जैसे लगे तो यानी मेरे कबूतरों में कुछ कोई फॉल्ट हो कोई वो तो आप बोल सकते हैं? जी फॉल्ट तो नहीं, सब 100% के ऊपर ही है जो भी है सब माशाल्लाह। और इनकी इंशाल्लाह आप अंडे वगैरह भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, डेरे में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। भाई शाहरुख भाई को मेरे घर के कबूतर, मेरी नस्लें जो मैंने भेजी, मैंने जो जमा करके रखी है वो पसंद आई है। और मेरे घर की जो बाप दादा की जो ब्रीड है मैंने कभी किसी को दी नहीं, लेकिन पहली बार इंशाल्लाह उसके अंडे, क्योंकि बच्चे के कबूतर हमारे भाई ले नहीं जा सकते हैं, तो उसके अंडे इंशाल्लाह मैं शाहरुख भाई को दूंगा, जिससे मेरी ब्रीड बहरीन में भी हो और अपने इंडियन ब्रीड का नाम भी हो बराबर। और नईम भाई वाली ब्रीड, नईम भाई वाली ब्रीड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे भी होगी नईम भाई वाली ब्रीड इंशाल्लाह। और शाहरुख भाई से मिलके भी बहुत कुछ सीखने मिला, शाहरुख भाई के पास भी अच्छे कबूतर हैं, और इंशाल्लाह मैं भी वहाँ से कभी जो अगर शौक हुआ टेडी का, जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे आरिफ भाई से भी मुलाकात कीजिए, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे कबूतरों को भी बहुत संभालता है, और मेरा कैमरा मैन है। मैं तो जो है मेरी जो चैनल चलती है उसमें जो वीडियो जो फोटो है वो हमारे आरिफ भाई शूट करते हैं, तो आरिफ भाई का मैं तहे दिल से मेरे छोटे भाई का शुक्रिया करता हूँ। और ये भी बहुत अच्छा शौक करता है, और मेरी बेटी पे ही शौक करता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कबूतर की जो भी नस्लें हैं मैं आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा और आपको भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।